हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना नॉनवेज के नॉनवेज आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, आपको बेहद पसंद आएगी। बिल्कुल नॉनवेज को टक्कर देने वाली ये रेसिपी है, बेहद आपको पसंद आएगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है सोया चाप। जी हाँ, ये बिल्कुल नॉनवेज को टक्कर देने वाली सोया चाप है, मार्केट से रेडीमेड आता है, आप इसे ले सकते हैं। ये सूखी होती है, इसे हमने भिगा दिया था ओवरनाइट। ये बहुत अच्छे से भीग जाती है और इसकी स्टिक बहुत इजीली निकल जाती है। तो हमने इन्हें यहाँ पर मैंने पावर सोया चाप लिया था, जिसे मैंने ओवरनाइट भिगा लिया था। इस तरीके से ये इस पानी सोख लेता है। तो ये सारी हमने निकाल दी है, देखिए इनकी स्टिक बड़ी इजीली निकल जाती है। हमें स्टिक से ही इनको ऐसे ही नहीं बनाना है, स्टिक निकाल के हमने इनके छोटे छोटे पीसेस बनाने हैं। जैसा जितनी बड़ी पीसेस आपको पसंद है उस हिसाब से आप कट कीजिएगा। एकदम नॉनवेज को टक्कर देने वाली ये रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। इस तरीके से हम सारे सोया चाप को इस तरीके से कट कर लेंगे। हमने सारे कट कर लिए हैं, देखिए इनके सारे जो इनके पर्दे हैं ना, एक मतलब अच्छे से भीग के खुल गए। तो चलिए, हम इसके लिए मसाला आपको बता देते हैं। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है, टमाटर मैंने गहरे लाल रंग का लिया है, जिससे हमारी ग्रेवी है ना बहुत अच्छा कलर देगी। तो यहाँ पर दो मैंने प्याज लिए हैं, जिन्हें मैं चॉपर से अच्छे से बारीक कट कर लूँगी, और अदरक लहसुन मिर्ची टमाटर का हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो दूसरी तरफ हम एक पैन गरम कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम तेल गरम कर लेंगे। और इसको बहुत अच्छा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर बटर यूज़ कर रही हूँ। बटर को भी हम यहाँ पर मेल्ट कर देंगे, और जो सोया चाप को हमने कट करके रखा था ना, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। मैं एक चीज़ ध्यान रखना, मैं अपनी रेसिपी में बहुत कम ऑयल और मसालों का यूज़ करूँगी, और फिर भी हमारी सब्ज़ी बहुत बेहद टेस्टी आपको बन के नज़र आएगी। तो सबको हमने अच्छे से इसमें डाल दिया है और अच्छे से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। ये देखिए, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ अब हम उसी पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके हम उसमें दो तेज़पत्ता, एक दो सिनेमन स्टिक, एक बड़ी इलायची को हम भून लेंगे, और उसमें एक चम्मच जीरा भी हम भून लेंगे। और हमने प्याज को बारीक बारीक चॉपर में कट कर लिया ना इस तरीके से, तो अब ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिए, गैस का जो फ्लेम है हमने लो ही रखना है। और यहाँ पर थोड़ा सा अदरक और थोड़ा हरी मिर्ची को डाल देंगे, इससे हमारी डिश दिखने में भी अच्छी लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार आएगा। तो इस तरीके से हम इसे भून लेंगे इतने स्टेज पर, यानी कि लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे अब हमने जो टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसे भी हम चला लेंगे इस तरीके से, सारी चीज़ों को मिला लेंगे, बस इसे कवर कर लेंगे। कवर करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे मसाले यूज़ करेंगे। मसाले में हम यहाँ पे सिर्फ दो चम्मच यहाँ पे सब्जी मसाला यानी किचन किंग मसाला यूज़ कर रहे हैं, और थोड़ा सा हम चुटकी भर यहाँ पर हल्दी, और टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक। इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे, और मिलाते हुए हम इन्हें कवर कर लेंगे। कवर करके ही हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से पक जाए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। 5 मिनट बाद हम अपना मसाला चेक करेंगे। हमारा जो मसाला है वो देखिए एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो गया है, अच्छे से भून गया है। तो सबसे मेन रोल मसाले का है, अगर मसाला हमारा अच्छे से नहीं भुनेगा ना, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो सोया चाप हमने फ्राई करके रखी थी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे, साथ में एक गिलास पानी भी डाल देंगे। तो पहले इसे मिला लेंगे, पानी की फिर ज़रूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि सोया चाप जो है वो पानी को अब्जॉर्व कर लेता है अच्छे से। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और ऐड करते हुए हम इसे मिला लेंगे, और इसे हम फिर से हम इसे कवर करने रख देंगे। जब हम इसे कवर करके पकाएंगे ना, तो हमारी सब्जी जो ये सोया चाप है बहुत अच्छे से फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, नरम हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं, 7 मिनट बाद हमारी जो सब्जी है, देखिए देखने में लग रहा है ना आपको नॉनवेज एकदम टक्कर देने वाली सब्जी है, बहुत टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, और बहुत कम मसालों में मैंने ये बनाया है। थोड़ा सा हम यहाँ पर गर्म मसाला डालेंगे लास्ट में, और यहाँ पे थोड़ा सा कसूरी मेथी को हम क्रश करके यहाँ पे डाल लें, इससे सब्ज़ी का टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। और चुटकी भर यहाँ पे शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर जो टेस्ट को बनाए रखता है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मीठा नहीं करेगा सब्ज़ी को, बस टेस्ट को बनाए रखेगा। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। हम यहाँ पर लास्ट में डालेंगे बटर, इससे हमारी सब्ज़ी का ना जो एकदम फ्लेवर है बहुत ही मज़ेदार निकल के आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म, और आप इसे रोटी नान चावल के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। कोई गेस्ट आए ना, तो उसको भी आप ही सर्व करके खिला सकते हैं। हर कोई पूछेगा आपने ये सब्ज़ी कैसे बनाई है। तो थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। आप इस सब्जी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।